सो फाइनली KVS प्राइमरी टीचर एग्जाम का डे टू और शिफ्ट वन का एग्जाम हो गया है। अगर रिव्यू में बताऊं तो इन शॉर्ट इतना कुछ खास बदला नहीं है, सब कुछ सेम है, पेपर का लेवल वही है, इजी है, कोई खास मुश्किल चीज़ें नहीं है, सिलेबस से ही सारी चीज़ें पूछी जा रही हैं और जितना मैंने कल बताया उसी हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं। इस बार आज के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में KVS ने थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है जो कि उनके हक में है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते, और वो परिवर्तन है टॉपिक्स का। जैसे कि अगर CDP की बात करें तो उसमें एडोलेसेंस से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, और वही पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो NEP से फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा हैं। खैर, इसमें भी किसी तरह की कोई टेंशन या परेशान होने वाली बात नहीं है, यदि आपने कंसेप्चुअल स्टडी करी है तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। दूसरी तरफ हिंदी के अंदर, कोर हिंदी के अंदर NCERT के 1 से लेकर 5 वाली जो किताब है उसमें से आज 9 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। अगर इस चीज़ को आपने पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। उसके अलावा मैथ्स ईजी थी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सिलेबस से है, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम सिलेबस। EVS के अंदर भी वैसा ही था, ईजी, इट इज़ फ्रॉम सिलेबस, कंप्यूटर सुपर ईजी। रीजनिंग में अभी सर्कुलर वाला क्वेश्चन आया था, 8 लोग बिठाए थे एंड इट वॉज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस आपने कर रखी है तो वो आपका हो जाएगा। इंग्लिश वॉज ऑल्सो सुपर ईजी, पैराग्राफ आया था। हिंदी वॉज ऑल्सो सुपर ईजी, पैराग्राफ उसमें भी आया था। एंड दिस वॉज द शॉर्टेस्ट रिव्यू ऑफ टूडेज एग्जाम, एंड आई होप जो सेकेंड शिफ्ट वाले हैं मजबूती से करें और एकदम चेयरफुल रह के माइंड फ्री होकर के अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे, थोड़ा बहुत रिकॉल करके करेंगे, थोड़ा बहुत समझ के करेंगे तो आपको फायदा होगा। टाइम को अच्छे से मैनेज कीजिए, एवरेज टाइम 30 से 40 मिनट आराम से बच रहा है, सो फ्लैग का इस्तेमाल जरूर करना। ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड फर्दर जो साथी हैं, जो भी चीज़ इनमें से छूट रही है आप चाहें तो उनकी प्रिपरेशन करके अपने आप को थोड़ा मजबूत और कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।